आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि होना हमारे पास ज़रूरी हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट ठीक है वो भी हम डिस्कस करेंगे और हम एक कंप्लीट स्टोर बनाएंगे और कितना आसान है स्टोर बनाना वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा ठीक है अब कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं ठीक है तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है ना वो आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है और पेमेंट आपने बाहर से भी मंगवानी है कस्टमर से भी लेनी है क्लाइंट से लेनी है बेशक आपने फ्री लांसिंग ही करनी हो तो आपके पास बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है और अगर आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपने जो डोमेन लेनी है वेब होस्टिंग लेनी है ठीक है कोई भी टूल अगर आपने परचेज करना है तो आपके पास एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि मास्टर वीजा सपोर्टेड हो ठीक है तो आपको कैसे मिलेगा तो अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे किसी भी बैंक में आप चले जाएं मिजान बैंक में चले जाएं यू चले जाएं बैंक अल्फला में चले जाएं एच में खुलवा लें एम सी बी में खुलवाने ठीक है नहीं, इवन कि आप नेशनल बैंक का भी अकाउंट ओपन करवा लें तो आपको जो कार्ड मिलेगा ना उससे आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाने में मसला हो रहा हो ठीक है तो एक जो आसान हल ये है कि अगर आपने सिर्फ डोमेन या वेब होस्टिंग लेनी है या ऑनलाइन परचेजिंग करने के लिए कोई कार्ड बनवाना हो अभी लर्निंग पर्पज़ के लिए तो उसके लिए जो है ना यू पी एल का एक वीज कार्ड भी आता है वो भी आप बनवा सकते हैं जिस जो सिर्फ इसी काम के लिए बना हुआ है लेकिन बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना है ना तो आपने बैंक अकाउंट बनाना है आप वीज़ कार्ड से गुजारा नहीं कर सकते आपको बैंक अकाउंट ही बनवाना पड़ेगा ठीक है जब आप बैंक अकाउंट बनवाएंगे जो आपको ए कार्ड मिलेगा ना वो वीज़ा और मास्टर सपोर्टेड होना चाहिए और वो डेफिनेटली आजकल जो कार्ड मिलते हैं और वीज़ा और मास्टर सपोर्टेड होते हैं ठीक है जब आपको वो कार्ड मिलेगा उससे फिर आप कोई भी ऑनलाइन टूल परचेज कर सकते हैं ठीक है और अब जब आपने ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना है ना उसके लिए आपको एक तो डोमेन चाहिए होगी और आपको वेब होस्टिंग भी चाहिए होगी और साथ में आपको एक कुरियर अकाउंट चाहिए होगा यानी कि डी का हो जाए अगर आपने इंटरनेशनल डिलीवरी करनी है विद इन पाकिस्तान अगर आपने काम करना है तो आपके पास लेपर्ड का अकाउंट होना चाहिए या डी एच एल का अकाउंट होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सी ओ डी अकाउंट भी कहते हैं सी ओ डी का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट तो ये फ्री ओपन हो जाता है अकाउंट लेकिन इस अकाउंट को भी खुलवाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कि आपने उनको जाके दिखानी है कि ये मेरी वेबसाइट है ये मैं ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया है इस पे जो ऑर्डर्स जाएंगे उसकी डिलीवरी के लिए मुझे ये अकाउंट चाहिए ठीक है अब अब होता ही है कि जब आप उन्होंने पेमेंट कलेक्ट करके लेके आनी होती है ना कस्टमर से तो सी के अंदर तो क्या होता है कि फिर उन्होंने आके अपने पास रखनी है और आपको जो पेमेंट देते हैं ना वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या वो चेक भी देते हैं इसलिए आपका बैंक अकाउंट होगा तो आसानी होगी कि वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेंगे वीकली बेसिस पे या पंद्रह दिन बाद या तीन दिन बाद जैसे आपने उनके साथ सेटिंग की हो तो इसलिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है आपके पास डोमेन होना ज़रूरी है वेब होस्टिंग होना ज़रूरी है तो डोमेन अब क्या चीज़ होती है वेब होस्टिंग इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ जैसे आप फिजिकली कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो आप पहले सबसे उसका एक नाम रखते हैं ठीक है आपने बिजनेस स्टार्ट किया ए बी सी या एक्सवाई सी कोई भी आपने उसका नाम रखा ठीक है आपने नाम सोचा उसके बाद आपने उसके लिए जो आपने शॉप लेनी है या आपने ऑफिस बनाना है तो बिल्डिंग आपने लेनी होती है रेंट पे ले लें या फिर आप अपनी परचेज कर लें तो वो जो फिजिकल लोकेशन होती है ना वो आप समझ ले वेब होस्टिंग है और जो आप नाम रखते हैं ना वो डोमेन होती है जिससे उसको हम बुलाते हैं या लोगों को बताते हैं कि ये मेरा बिजनेस है एबीसी और फला जगह पे है वो जगह जो है वो वेब होस्टिंग है तो इसी तरह हम भी एक डोमेन अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से ले सकते हैं और वेब होस्टिंग जो है वो कहाँ से ले सकते हैं बाकी आपकी मर्जी अपनी चीज़ों जहाँ से मर्जी लेनी हो मैं आपको एक दिखा देता हूँ एज एन एग्जाम्पल ठीक है अच्छा अब आज जो एक स्टोर मैं आपको बना के दिखाने लगा ना उसके लिए जो मैंने डोमेन ली हुई है वो डॉट पी के की डोमेन ली हुई है यानी पाकिस्तानी डोमेन है और पी के की डोमेन जब भी आपने लेनी हो ना तो वो आपको पाकिस्तानी डोमेन सेलर्स जो है ना उनसे ही आपको मिलेगी जैसे वन एन वन पर अगर आप जाएंगे वहाँ से आपको डॉट पी के की डोमेन नहीं मिलेगी नेम चीप से आपको नहीं मिलेगी गोडाडी से आपको डॉट पी के की डोमेन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी लेकिन इस तरह की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी ठीक है मैंने जो वाव डॉट पी के नाम से एक डोमेन ली हुई है डोमेन है मेरी वी एट डबल ओ ठीक है ये मैंने एक डोमेन परचेज की है स्टोर बनाने के लिए ठीक है और मैंने यहाँ से परचेज़ किया है और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि डॉट पी के .pk की जो डोमेन होती है ना जब भी आप परचेज करेंगे वो आपको दो सालों के लिए मिलेगी एक साल के लिए नहीं होती वो जो डॉट कॉम डॉट नेट डॉट ओ आर जी ये जो डोमेन्स होती हैं ना ये एक साल के लिए भी ले सकते हैं जो डॉट पी के की डोमेन है वो कम से कम आपको दो साल के लिए लेनी पड़ती है चाहे वो डॉट कॉम डॉट पी के हो चाहे वो डॉट पी के हो ठीक है अब मैंने क्या किया था मैंने ऑलरेडी परचेज़ की हुई है मैं यहाँ पे गया डोमेन का नाम लिखा और मैंने यहाँ पे लिख के सर्च किया जैसे डॉट पी के ऑलरेडी सिलेक्टेड है वाओ डॉट पी के ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने सर्च की अगर आपने लेनी हो डोमेन तो आप इसी तरह सर्च कर सकते हैं किसी और वेबसाइट पे भी जाके वो आपकी मर्जी है तो डोमेन अब क्योंकि मैं ले चुका हुआ हूँ तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रही है लेकिन उस टाइम ये अवेलेबल थी ठीक है उसके बाद मैंने इसको जो है ऑर्डर नाउ किया चेकआउट किया बाकी आप ये सारा प्रोसेस खुद कर सकते हैं क्योंकि इस पर आपको एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा बाकी ये लोकल वेबसाइट है आप इनसे फ़ोन करके भी रब्ता कर सकते हैं ये किसी और वेबसाइट पर जा भी आप डोमेन परचेज़ कर सकते हैं ठीक है मैंने ये ऑर्डर किया और यहाँ पर ना पेमेंट करना भी इतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है ना तो आप इजी पैसा जैस कैश के थ्रू भी इनको पेमेंट दे सकते हैं और डोमेन इनसे ले सकते हैं होस्टिंग भी इनसे ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी है मैंने इनकी होस्टिंग नहीं यूज़ की वो आपकी मर्ज़ी है आप बेशक इनसे ले लें या किसी और से भी ले लें ले ले ले। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है ना तो फिर ये यहाँ से ईजी होगा आपके लिए जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू ना पेमेंट करना ठीक है तो डोमेन जब आप डोमेन परचेज करते हैं ना तो आपके पास डोमेन तो आ जाती है जैसे मैंने बिज़नेस शुरू किया उसका नेम सोच लिया ठीक है अब हमने वाव डॉट पी के नाम से एक डोमेन जो है वो ले लिया है नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो मैंने एक स्पेस लेनी है जहाँ पर मैं एक स्टोर बनाऊँगा स्टोर की फाइल्स रखूँगा उसको इंस्टॉल करूँगा ठीक है उसे कहते हैं वेब होस्टिंग वेब होस्टिंग जो है वो आपको इस कोर्स के अंदर शुरू में आपको जैसे वन एन वन से बताया था भी ली जा सकती है अब आपकी मर्जी वन एन वन से ले लें या जब मर्ज़ी से ले लें अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है नेम चीप डॉट कॉम यहाँ से भी आपको डोमेन मिल जाएगी और अच्छ अच्छी प्राइस पर मिल जाएगी आजकल ये ऑफर चल रही है फिफ्टी परसेंट ऑफ़ दे रहे हैं फर्स्ट ईयर में यानी कि अगर आप इनसे पैकेज लेते हैं अभी तो आपको ये हाफ प्राइस में देंगे पहले साल के लिए ठीक है और दूसरा इसके अंदर जो है छोटा पैकेज है उसके अंदर ट्वेंटी जी तक आपको स्पेस भी मिल जाती है जो कि इनफ है और थ्री डोमेन्स यानी तीन आपके वेबसाइटें बना सकते हैं तीन आपके डोमेन ले सकते हैं बाकी आप इसको ख़ुद एक्सप्लोर करें देखेंगे मैंने इनके इसके ऊपर जो अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये दूसरे वाला पैकेज है मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है और क्योंकि मैंने एक से ज़्यादा वेबसाइट्स बनानी थी इस वजह से मैंने इस पर अकाउंट लिया हुआ है ये वाला और बाकी अगर आपने इसको लेना है तो आपने इसको गेट स्टार्टेड पे जाना है कार्ट में इसको ऐड करना है आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि वीज़ा मास्टर स्पॉटेड हो जिससे आप पेमेंट कर सकें ठीक है यहाँ पे जैस कैश और इजी पैसा से आप पेमेंट नहीं कर सकते तो आपके पास इसलिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है ठीक है यहाँ से आप उसके बाद इस होस्टिंग को आप परचेस करें जैसे ही आप ये ऑर्डर करेंगे इसको परचेस करेंगे फ़ौरन से आपको अकाउंट भी मिल जाएगा जब आपको अकाउंट मिल जाए तो आपने इसको परचेस करने के बाद जो है जो पहला काम करना है ना वो आपने सी पैनल में आना है अच्छा परचेस करते हुए भी ना अगर आपने पहले डोमेन ले ली होगी तो वो आपको पूछेंगे कि आपने ना डोमेन जो है वो हमसे लेनी है वो आपको एक डोमेन जो है वो डॉट वेबसाइट के नाम से ना ये किसी और डोमेन के नाम से जो फ्री में भी ऑफर करेंगे एक साल के लिए अब वो भी ले सकते हैं नहीं लेनी तो आप छोड़ दें क्योंकि फ्री है अगर ले लेंगे तो आपकी मर्जी नहीं लेंगे तो कोई मसला नहीं तो आप अगर आपने जिसमें मैंने ये डोमेन ली ये वाव है वाउट डॉट पी के तो मैं वो यहाँ पर दे के एज अ प्राइमरी डोमेन उसको दे सकता हूँ कि ये मेरी डोमेन है और इसके साथ में होस्टिंग लेना चाह रहा हूँ ठीक है वो आप डोमेन इसके साथ साथ उसी टाइम ही लिंक हो जाएगी क्योंकि मैंने वेब होस्टिंग जो है वो पहले ली हुई थी डोमेन मैंने ये बाद में ली तो फिर मुझे जो है वो इसको इसके साथ लिंक करवाना पड़ा लिंक का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकी जब आप होस्टिंग लेंगे डोमेन लेंगे तो आप वो खुद भी कर सकते हैं जब डोमेन ले, ले लेते हैं ना हम और होस्टिंग भी हमारे पास होती है तो उसके ऊपर ना हमें नेम सर्वर सेट करने पड़ते हैं तो नेम सर्वर जो होते हैं ना वो हर वेब होस्टिंग के अपने होते हैं जैसे नेम चीप के नेम सर्वर्स हैं जो कि आपको गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे ना लिख के आप लिखेंगे नेम चीप नेम सर्वर्स ठीक है तो वो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे वो आपको वेबसाइट पे ले जाएंगे ठीक है और अगर आपको वहाँ से ना मिल रहे हो तो आप इनसे ऑनलाइन चैट करें ठीक है स्पॉट पे जाएं चैट करें उन्हें बताएं मुझे मुझे नेम सर्वर्स दे दें नेम चीप के तो आपको नेम सर्वर्स दे देंगे ये देखिए ये पेज है इसमें बता भी रहेंगे नेम सर्वर्स कैसे सेट करते हैं ठीक है ये नेम सर्वर है डोमेन वो नेम चीप के ये ये वाले हैं नेम सर्वर वन एंड टू ठीक है आपने क्या करना है आपने ये दोनों नेम सर्वर जो आपका डोमेन का अकाउंट होगा ना जब आप उसको लॉग इन करेंगे उसके अंदर ऑप्शन होगी नेम सर्वर को सेट करने की आपने वहाँ जाना है ये दोनों नेम सर्वर यहाँ से कॉपी करने हैं अगर आपने नेम चिप की होस्टिंग ली होगी तो आपने वो ये नेम सर्वर वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देने सेव कर देने उसके बाद आपने अपने होस्टिंग अकाउंट में आना है डोमेन को ऐड करना है डोमेन को कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और नेम चिप का एक और पैनल भी है वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं ठीक है अगर आपको उस कोई मुश्किल आ रही हो तो नेम चिप की वेबसाइट है या गोडेडी डी जिससे भी आप ले रहे हैं ना उसमें एक ऑप्शन होती है स्पोर्ट की आप स्पोर्ट पर जाएँ लाइव चैट पर करें या सबमिट करें अपनी टिकट लाइव चैट ज़्यादा ईजी है उस टाइम आपको उसी टाइम आपको सोल्यूशन बता दें लाइव चैट में ओपन करें उसमें लिखेंगे मैं होस्टिंग मैंने ये डोमेन ली है उसमें मैं नेम सर्वर सेट करना चाह रहा हूँ होस्टिंग के साथ लिंक करना चाह रहा हूँ तो आपको साथ साथ हेल्प कर देंगे उसके अलावा आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे हम क्योंकि हम स्टोर बनाना है इसलिए हम बाकी टाइम जो स्टोर पर लगाते हैं और यहाँ से कैसे ऐड होती है मैं अभी बता देता हूँ अगर आपने नेम सर्वर जो है होस्टिंग के सॉरी डोमेन के अकाउंट में जाके कॉपी पेस्ट किए हुए होंगे तो यहाँ पे जस्ट आपने आना है और डोमेन्स में जाना है ठीक है यहाँ पे आपने डोमेन नेम जैसे मैं लिखूँगा वाउटडी किया wow क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐड की है तो मैं दोबारा नहीं करूँगा उसको आपने क्रिएट करना है और अगर नेम सर्वर सेट होंगे तो इसमें ऐड हो जाएगी जैसे ये ऑलरेडी ऐड की हुई है ठीक है अब ये डोमेन है इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो एम टी ओपन होगी क्योंकि इस डोमेन के ऊपर अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं वह ख़ाली है और ये उसका फोल्डर है होस्टिंग के ऊपर ठीक है यानी इस फोल्डर के अंदर मैं कोई भी फाइल अगर रख देता हूँ ना ये आपको खाली नज़र आएगा अभी इसमें कोई भी फ़ाइल मैं अगर रखता हूँ ये एक फ़ाइल है एरर लॉग जनरेट व जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ इसकी की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है ठीक है तो जो भी फ़ाइल आप इसके अंदर रखेंगे वो आपको इस पेज पे नज़र आना शुरू हो जाएगी जो वाव डॉट पी के की डोमेन है ठीक है तो इस इसके ऊपर हम जो एक स्टोर बनाएंगे अभी हम उसी तरफ चलते हैं कि हम स्टोर कैसे बनाना है ठीक है आपने वापस आना है अपने सी पैनल अकाउंट में यानी जो आपने होस्टिंग ली है उसमें सी पैनल अकाउंट में आना है अब मैं आपको मजिंटो में स्टोर बनाना सिखाऊंगा उसके अलावा भी इसमें और ऑप्शन हैं अब होता क्या है कि आपके पास ना दो ऑप्शन हैं एक ऑप्शन ये है कि आप मजिंटो की वेबसाइट पर जाएँ मजिंटो वहाँ से डाउनलोड करें ठीक है उसे फिर आप अपने होस्टिंग अकाउंट में आएँ ठीक है जहाँ पे आपने ये डोमेन है डोमेन के आप वो फोल्डर में जाएँ वहाँ पर फाइल को अपलोड करें फिर आप इसी के अंदर डाटा बेस सेक्शन में जाएँ एक डाटा बेस क्रिएट करें फिर आप वो इंस्टॉलेशन करें एक ये भी प्रोसीजर है ठीक है जैसे ये फोल्डर है इसके अंदर आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी फिर आपने इंस्टॉलेशन शुरू करनी है लेकिन इसका इससे भी एक आसान हल है जो कि होस्टिंग्स के ऊपर आजकल हर होस्टिंग पे आपको ये चीज़ मिलेगी वो है एप्स इंस्टॉलर इसके अंदर आपको हर लेटेस्ट ऐप मिल जाएगी यानी मजिंटो वर्ड प्रेस प्रेस्टाशॉप और ओपन कार्ट जितने भी ओपन सोर्स ये फ्रेमवर्क्स हैं ना टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है आपने जस्ट क्लिक करना है और कोई मसला नहीं होगा इंस्टॉलेशन हो जाएगी अभी मैं यहीं से मजेंटो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ क्योंकि लोकल इंस्टॉलेशन में आप काफ़ी इशूज़ आते हैं अच्छा लोकल इंस्टॉलेशन की भी मैं बात करता हूँ लोकल इंस्टॉलेशन और ऑनलाइन इंस्टॉलेशन में क्या डिफरेंस है लोकल इंस्टॉलेशन हम तब करते हैं जब हमने या तो लर्निंग करनी हो किसी भी टूल को हमने सीखना हो अच्छी तरह से ठीक है या हमने उसमें कोई थीम में कस्टमाइजेशन करनी हो कोई प्लग हमने उसको चेंज करना हो बनाना हो कोई इसमें कोडिंग में जब चेंज करनी होती है ना तब हम उसको लोकल इंस्टॉल करते हैं अदरवाइज़ जो है हम जस्ट होस्टिंग लेंगे उसी के ऊपर डायरेक्ट हर चीज़ अवेलेबल होती है उस पर आप करें ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसको आप लोकल करें फिर आप उसको बनाएं फिर आप अपलोड करें और जब आपको क्लाइंट भी अगर एक प्रोजेक्ट देता है करने के लिए तो या तो आप उसके लिए होस्टिंग परचेस करते हैं या वो आपको होस्टिंग और डोमेन देता है तो आपने क्या करना है डायरेक्टली होस्टिंग पे जाना है और उसी पे इंस्टॉलेशन करके जितनी छोटी छोटी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं आप लोकल करने के बजाय ना सारा कुछ ऑनलाइन करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी आप उसको दिखा भी सकते हैं कि मैं ये इसके ऊपर काम कर रहा हूँ अब ठीक है मैं ऐप्स इंस्टॉलर पर क्लिक किया तो आपको काफ़ी सारी एप्स नज़र आएंगी जो पॉपुलर है ज़्यादा ज़्यादातर इंस्टॉल होती है जैसे वर्ड है शो भी में भी करवाया हुआ है यहाँ से इंस्टॉल करना बहुत आसान है मेजिंटो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही लेकिन जब मैं यहाँ लिखूंगा ना सर्च में यहाँ तो काफी सारे और भी आपको मिलेंगे मैं लिखूंगा मेजिंटो तो ये मजिंटो आ गई ये मैंने इस पे क्लिक कर देना है तो ये मुझे ले गया यहाँ पे अब ये आपको यहाँ पे इसका एक दिखा रहा है पिक्चर किस तरह का होगा दूसरा ये आपको वर्जन दिखा रहा है टू पॉइंट थ्री पॉइंट टू से लेके वन पॉइंट नाइन तक ये दोनों वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है मैं टू ही करूंगा ठीक है मैं अब यहाँ पे क्या आपने क्लिक करना है इंस्टॉल पे ठीक है उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कौन सा वर्जन आप करना चाहते हैं टू करना चाहते हैं या वन मैं टू करना चाहता हूँ आपसे पूछेगा आपने एस टी टी पी या एस टी टी पी एस कौन सी आपने जो है एक्सटेंशन आप पे अब मेरे पास है यू आर एल है ना अगर तो आपने एस 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 सर्ट एस एल एस एस एल सर्टिफिकेट अपनी डोमेन के साथ सेट किया हुआ है तो आप एस टी टी पी एस कर लें अदरवाइज एस टी टी पी कर लें मैं एस टी टी पी ही कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैंने सेट नहीं किया उसके बाद यहाँ से वो डोमेन सेलेक्ट करनी है, अदर्वारे है यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे डोमेन्स हैं तो उसमें से मैं वाओ डॉट पी के जो डोमेन के साथ लिंक की है खाली है वो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा डायरेक्टरी आपने अगर इसके न, इस डोमेन की जो फोल्डर्स सब डायरेक्टरी अगर कोई आप देना चाहते हैं तो स्लैश डाल के फोल्डर बता दें अदरवाइज को छोड़ दें तो मेन फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल होगी इसको आपने ऐसे ही रहने देना है इसको नहीं छेड़ना और दूसरे मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी और कंपनी से होस्टिंग लेते हैं थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा लेकिन इंस्टॉलेशन ऐसी ही होती हैं उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो आपने एडमिन का पाथ यानी आपने जो एडमिन को असेस करना है बेच को तो उसका उसका क्या आपने नेम रखना है फिलहाल मैं आसानी के लिए एडमिन रख रहा हूँ लेकिन आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो हैं वो ऐसा ऐसे कीवर्ड्स वर्ड्स यहाँ पर यूज करें जो आपको किसी के लिए गेस करना आसान ना हो ताकि कोई आपके एडमिन पेज तक आसानी से ना पहुँच सके ठीक है उसका सैंपल डाटा सैंपल डाटा आप या जस्ट क्लिक कर दें आपको सैंपल डाटा भी चाहिए क्योंकि मैं अभी सीखना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टोर है उसमें काफ़ी सैंपल डाटा भी हो और सैंपल डाटा जब हम इंस्टॉल लेते हैं ना उसके साथ हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा होम पेज भी सेट होता है बाकी पेजेस की सेटिंग भी ऑलरेडी थोड़ी हुई होती है हमारे लिए स्टार्ट करना आसान होता है अदरवाइज़ अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे तो फिर हमें होम पेज भी बनाना पड़ेगा हमें बाकी पेजेस भी बनाने पड़ेंगे और उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैं सैंपल डाटा यूज़ करना चाहता हूँ उसके बाद अपने यूजर नेम पासवर्ड बताना है मैं यूज़र नेम जो है वो एडमिन ही रखना चाह रहा हूँ पासवर्ड मैं इसका रखता हूँ मजिंटो वन टू थ्री फोर ठीक है एम कैपिटल हो गया इसमें डिजिट्स भी आ गए ठीक है और लोअर अपर केस दोनों कुछ सब कुछ हो गया पासवर्ड भी स्ट्रॉग हो गया इसका मैं एक स्क्रीन शॉट ले कर रख लेता हूँ ठीक है अगर मुझे इन केस भूल जाए तो यहाँ पे आपने कोई भी नेम दे दे देना है मैं यहाँ पे आपने अपनी ईमेल या अपना नेम यहाँ पे देना है ठीक है यहाँ पे मैं एक नेम यहाँ पे यूज़ करता हूँ ठीक है यहाँ पर आपने ईमेल देनी है ठीक है एडवांस ऑप्शन है इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है एज़ इट इज़ हैं इनको आप रहने दें ठीक है उसके बाद आपने करना है क्लिक इंस्टॉल पे अब मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे इंस्टॉलेशन शुरू होगी और ये एक एरर आ गया अच्छा ये एरर दे रहा है कि रिक्वायर्ड पी एच पी एक्सटेंशन नोट फाउ ठीक है एक्सटेंशन का नेम बताया जो कि वो कह रहा है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अब इस तरह के अगर कोई भी एयरस आए एक्सटेंशन के तो वो कहाँ से उनको ठीक किया जा सकता है या एक एरर आ सकता है पी एच पी वर्जन जो सपोर्टेड नहीं है ठीक है तो वो कहाँ से चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ आपने वापस जाना है कंट्रोल पैनल पे ठीक है यहाँ पे आपको एक वर्जन ऑप्शन मिलेगी सिलेक्ट पी एच पी वर्जन ठीक है इस पे आपने कर देना है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है अब यहाँ पे जब आप, आप आते हैं तो टॉप पे आपको PHP वर्जन जो करंट चल रहा है वो सेवन पॉइंट थ्री है और लेटेस्ट वर्जन भी सेवन पॉइंट थ्री है आपको सारे पुराने वर्जनस भी यहाँ से आज मिल जाएंगे अगर आपने कोई पुराना वर्जन चलाना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें उसको सेट एज़ करंट कर दें ठीक है मैं लेटेस्ट वर्जन ही चाहता हूँ मैंने सेलेक्टेड रखा हुआ है लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन जो है ना वो वो मेरी जो रिक्वायर्ड है वो नहीं यहाँ पे आपको सारे एक्सटेंशन नज़र आएँगी इसमें ये वाला एक्सटेंशन जो है वो वो कह रहा था कि सिलेक्टेड नहीं है या अवेलेबल नहीं है उसको मैंने सेलेक्ट किया सेव एज़ करंट सेट एज करंट किया ठीक है तो इस एक्सटेंशन जो है वो उसको अभी सेव नहीं किया दोबारा से कर लेते हैं अच्छा इसको सॉरी सेट एस्करण ये, ये वर्जन चेंज होता है यहाँ से एक्सटेंशन अगर आपने करनी है ना सेट तो यहाँ से सेव करना है इसको ठीक है अब मॉड्यूल सेट सेव्ड हो गया अब वापस आते हैं दोबारा से बाकी सब कुछ वैसे ही है मैं क्योंकि मैं एक्सटेंशन को कर लिया है तो मैं इसको इंस्टॉल पे दोबारा क्लिक करता हूँ इस दफ़ा जो है इंस्टॉलेशन जो है वो हो जाएगी ठीक है थोड़ा सा ये टाइम लेगा डिपेंड करता है कि आपने होस्टिंग पैकेज जो है वो कौन से वाला लिया आपकी वेब होस्टिंग कैसी है उस ठीक है तो अगर आप कोई हल्की होस्टिंग लेंगे तो मजिंटो उसके ऊपर नहीं अच्छी चलेगी अच्छा मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ मजिंटो जो है ना वो एक हैवी एप्लीकेशन है एक हैवी फ्रेमवर्क है इसके लिए आपको होस्टिंग भी अच्छी चाहिए होती है अभी जो अभी तो अगर आप नेम चीप से या किसी भी होस्टिंग पे जा के ना कुछ छोटा पैकेज भी परचेस परचेस कर लेंगे तो मजेंटो उस पर इंस्टॉल हो जाएगी चलेगी लेकिन अगर आपने सक्सेसफुल स्टोर बनाना है और चलाना है और उस पर प्रोडक्ट भी अपलोड करने हैं और उस पर लोगों ने विजिट करना है ना जब उसको मंथली बेसिस पे तो आपका स्टोर स्लो होना शुरू हो जाता है और अगर आपका स्टोर ही स्लो होगा लोग उसके ऊपर आएंगे अगर उनको प्रोडक्ट को खोलने में टाइम लग रहा है फिर नेक्स्ट हर प्रोसीजर पे टाइम लगेगा उन स्टेप्स पे तो फिर दोबारा आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे तो इसके लिए आपको अगर आपने मजेंटा में वेबसाइट बनानी है तो आपको एक होस्टिंग अच्छी चाहिए होगी इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप लोकल इंस्टॉलेशन करते हैं जैम्प में आपको बहुत सारे एरर्स जो आते हैं और अगर कोई इंस्टॉल कर भी लेता है तो उसको जो एक एरर फेस करना पड़ता है या तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है या इतना ज़्यादा स्लो चलता है उसकी रीज़न यही है कि इसके लिए आपके पास जो लोकल सिस्टम है ना वो भी अच्छा होना चाहिए तो या आप इसके ऊपर इसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं या इसके ऊपर ईजिली काम कर सकते हैं अगर आपने लर्निंग करनी है और लोकल करनी है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा आपको इसका वर्जन वन जो है ना ओल्ड वर्जन है तो वो अगर आप लोकल पीसी पे इंस्टॉल कर लेंगे तो वो अच्छा चलेगा क्योंकि वो पुराना वर्जन है वो थोड़ा सा लाइट है इससे अगर आपने सीखना है या रियल स्टोर बनाना है तो आप एक वेब होस्टिंग लें फ्री वाली होस्टिंग के ऊपर भी मजिंटो नहीं सही चलेगी वर्ड चल जाती है लेकिन मजेंटो चाहे कोई भी फ्री वेब होस्टिंग अगर आप किसी भी कंपनी से ले लेते हैं ना तो उसके ऊपर वो आपको वो स्पीड नहीं देगी काफ़ी सारे इशूज़ आपको उसके ऊपर आएंगे लेकिन पेड जो होस्टिंग होगी ना उसके ऊपर अगर आपको इशू भी आता है तो आपको रिजॉल्व कर सकते हैं या आपको सपोर्ट भी मिल जाती है और उसके ऊपर वो ठीक भी चलेगी ठीक है अभी ये नाइन्टी फाइव परसेंट पे जाके ये थोड़ा सा स्लो हो गई है अच्छा अब ये इंस्टॉल हो चुकी है अब ये उसका जो है आपके स्टोर का जो है आपको मेन यूआरएल ये नज़र आ रहा है ये एडमिन पेज को सेस करने का लिए यूर है अब मैं इसको मेन पेज को देखता हूँ इस पर क्लिक करते हैं और ये आपको ले जाएगा वाव पी के पे जो कि आपको मजिंटो का होम पेज नजर आएगा ठीक है।, है अभी ये ओपन हो रहा है ठीक है फर्स्ट टाइम जो है ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है बाकी ये ओपन हो गया ठीक है ये मजेंटो का जो है होम पेज है सैंपल डाटा भी आ गया क्योंकि हमने सैम्पल डाटा इंस्टॉल किया था तो इसके साथ काफ़ी सारी सेटिंग्स हमें प्री इंस्टॉल ही मिल गई प्री सेट ही मिल गई ठीक है मैं यहाँ से कोई कैटेगरी को देखता हूँ तो वो भी मुझे मिल जाएगी ठीक है आपको इस कोर्स के अंदर भी यही वाला वर्जन इंस्टॉल करना बताया लेकिन वो जैम पे लोकल इंस्टॉल करना बताया अब लोकल इसलिए हमने बताया कि क्योंकि हर किसी के पास जो है वो डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं होता और उन और उसको वेब होस्टिंग भी नहीं होती इस वजह से लोकल बताया लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी रही है तो आप कोई और वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और टूल भी यूज़ यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने स्टोर बनाना है मजिटो में ही बनाना है तो फिर आपको जो है एक डोमेन और होस्टिंग ही लेनी पड़ेगी और अच्छी वाली होस्टिंग अगर आप लेंगे तो फिर आप उसमें स्टोर बना सकते हैं तो ये जिस तरह से प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर ठीक है प्री इंस्टॉल्ड उन्होंने आपको दे दिए इसके साथ इन्होंने सारी की सारी पेजेस की सेटिंग भी की हुई है अब आप क्या कर सकते हैं आप इन प्रोडक्ट को डिलीट करते जाएं और इनको देख के सीख के आप अपना जो है प्रोडक्ट जो है किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट ऐड करने आप कर सकते हैं स्क्रैच से अगर आप करते हैं सैम्पल डेटा के बगैर तो आपको ये सारी सेटिंग खुद करना पड़नी थी अब इस पर हमें ये आसानी होगी कि ये इन्होंने जैसे प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है हम खुद से कर सकते हैं करेंसी को आप चेंज कर लें जैसे जैसे इन्होंने सेटिंग की है अगर आपको ऐसी ही आपने रखनी है इनको देखिए एक प्रोडक्ट को आप एक साइड पे ओपन कर लें दूसरा प्रोडक्ट आप जहाँ से ऐड करना है उसको देख के जैसे ऐड हुआ है तो आप उसको ऐड करते चले जाएं ठीक है ये इसका होम पेज है अब मैं इसका सी पैनल आपको दिखाता हूँ सी पैनल को कैसे एक्सेस करना था स्लैश एडमिन क्योंकि मैंने उसका नाम एडमिन रखा था इसीलिए मैं आपको कह रहा था आपने एडमिन नहीं रखना ये तो मैंने सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए एडमिन रखा है आप कोई ऐसा नेम रखें जो हर किसी के लिए सेस करना आसान ना हो ठीक है ये हम इसके एडमिन पेज पर आए मैं लिख मैंने दिया था यूजर नेम एडमिन पासवर्ड में कैपिटल एम ए जी ई एन टी ओ मेजेंटो वन टू थ्री फोर और मैं इसको लॉगिन करता हूँ ठीक है दोबारा से कर लेते हैं हो सकता है मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो एक दफा हम फिर से ट्राई करते हैं ठीक है अभी मैं चेक करता हूँ जो मैंने पिक्चर सेव की थी अच्छा पासवर्ड uh, रखते हुए ना मैंने क्या किया मैंने एम ए जी ई एन टी ओ होता है लेकिन एम ए जी एन ई टी ओ गलती से मुझसे लिख हो गया इसीलिए मैंने जो है पिक्चर कैप्चर कर ली थी कि इस तरह हमसे अगर मिस्टेक हो जाए फिर बाद में हमें बड़ा मसला होता है उसको सर सही करने में ठीक है तो अब मैं ये पासवर्ड यहाँ पे लगा के देखता हूँ दोबारा से ट्राई करता हूँ ठीक है एडमिन एम ए जी एन ई टी ओ वन टू थ्री फोर और इस दफ़ा इसको लॉगिन होना चाहिए और अगर आपको इस तरह भूल जाए कोई मसला हो अगर आपने ईमेल अपना सही दिया होगा ना तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकेंगे अदरवाइज़ फिर आपको फिर काफ़ी सारे इश्यूज़ आएंगे आपको पासवर्ड ठीक करना पड़ेगा या री इंस्टॉल भी करना पड़ सकता है मैं अभी सेव नहीं करूँगा तो ये डैशबोर्ड है मजेंटो का ठीक है जो आप इस कोर्स के अंदर भी आपको बताया गया है सेल्स पे आप जाएंगे तो आपको ऑर्डर्स इन्वाइस शिपमेंट्स ये सारी सेटिंग्स यहाँ से आप कर सकते हैं कैटेलाग में आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं कैटेगरीज़ बना सकते हैं कस्टमर्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे ठीक है मार्केटिंग के यूरल रीराइट करना और एस के सेटिंग्स और दूसरी सेटिंग्स जो हैं वो इस तरह की वो यहाँ से भी हो सकती हैं कॉन्टेंट उसके बाद पेजेस को बनाना इसमें थीम्स वगैरह और दूसरी सेटिंग्स यहाँ से की जा सकती हैं रिपोर्ट्स यहाँ से आपको मिलेंगी ठीक है और क्योंकि मजेंटों के ना मल्टी स्टोर की ऑप्शन है ये तो बाकी स्टोर्स की सेटिंग्स यहाँ से हो जाएंगी ठीक है ये सिस्टम सेटिंग्स हैं ठीक है बाकी आप उसको ख़ुद एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रोडक्ट आपने खुद एड करने अब मैंने आपको इंस्टॉल करना जो है बता दिया ठीक है यानी हमने एक स्टोर भी बना लिया अब नेक्स्ट जो वर्क है ना वो ये है कि आपने यहाँ से लोगो चेंज करना है ठीक है ये इन प्रोडक्ट्स को ऐसा ऐसा डिलीट करते जाना है इनकी जगह पे नए प्रोडक्ट ऐड करते जाना है ठीक है आपने जब आप प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे डोमेन ऑलरेडी सेट है होस्टिंग भी इसके ऊपर है अब आपने जाना है कुरियर कंपनी के पास और वहाँ से एक अकाउंट ओपन करवाना है उनको आपने वेबसाइट का बताना है आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि बैंक अकाउंट के बगैर अकाउंट नहीं खुलेगा और कुरियर कंपनी से अकाउंट कैसे खुलवाते हैं उनसे कोटेशन वगैरह के बारे में कैसे डिस्कस करते हैं वो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी वो आपको कोर्स सेक्शन कोर्स वेबसाइट में जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी कि हाउ टू ओपन सीओडी अकाउंट और कुरियर अकाउंट के नाम से तो आप उसको देख लें ठीक है बाकी आप हम एक वीडियो और है जिसके अंदर मैं आपको स्टोर बनाना सिखाऊंगा वर्ड के अंदर ठीक है वो कॉमर्स को यूज़ करते हुए तो वो भी आपने लाजम देखनी है